Hello dear students, how are you? I hope all of you are very fine. This is Brijesh and today I am going to teach you Value Education Chapter 3 We All Are Equal. Children, this title has very deep meaning. These lines tell us that we are not different, we are equal. So how we are equal? Let's study. Take out page number 9 and read it, and I am going to read it and I am going to explain. Okay, so listen carefully. Look around and observe people. They all look different. Some are tall, some are short, some are thin, some are fat, some are weak, सम आर हेल्दी एंड सो ऑन. चिल्ड्रेन, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग अपने अराउंड में देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं, तो पाते हैं क्या कि हम सब लोग डिफरेंट दिखते हैं. हम सब डिफरेंट दिखते हैं सिर्फ देखने में. कैसे? तो सम आर टॉल, कुछ लंबे हैं तो कुछ शॉर्ट हैं, कुछ थिन हैं तो कुछ फैट हैं. सम आर वीक, कुछ लोग कमजोर हैं तो कुछ लोग बहुत हेल्दी हैं, स्ट्रांग हैं. और इसी तरह से देखा जाए, जब देखेंगे तो बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलेगा. बट दीज आर ओनली एक्सटर्नल डिफरेंसेस. लेकिन ये जो डिफरेंस हम लोग देखते हैं, कोई लंबा है, कोई शॉर्ट है, ठीक, कोई मोटा है, कोई पतला है, तो ये बाहरी डिफरेंस है, ये बाहर में दिखने वाला डिफरेंस है. अंदर से हम लोग सेम है. वी आर ऑल क्रिएटेड इक्वल. हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग को गॉड ने बनाया है और वो हम लोग को इक्वली बनाया है. इट इज आवर ड्यूटी टू ट्रीट ऑल ऑफ आवर फेलो बींग्स इक्वली. ओके, सो कहने का मतलब क्या है, जब हम सब एक हैं, ऊपर वाला जो हम लोग को बनाए हैं वो हम लोग को एक बनाए हैं, तो हम लोगों को सबके प्रति एक सा अच्छा व्यवहार करना चाहिए. ये बुक इसलिए है, इसमें हम लोग मॉरल वैल्यूज सीखते हैं, नैतिक गुण सीखते हैं, उसको जीवन में उतारते हैं और आगे बढ़ते हैं. See, कुछ और भी है. Do you realize that we all breathe the same air? Rain falls on all of us and the sun shines equally for all. Nature's bounty and beauty is for all. क्या आपको पता है, नेचर का बॉन्टी और ब्यूटी सभी के लिए है. जब बारिश गिरता है तो सभी सभी में समान रूप से गिरता है. जो हम लोग हवा लेते हैं, श्वास में लेते हैं, तो सभी के लिए समान मात्रा में उपलब्ध है. सन जब अपना रोशनी हम लोगों को देते हैं तो कोई भेदभाव नहीं होता, सबको समान रूप से रोशनी मिलता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे वो जीव जंतु हो. वी मस्ट नो दैट ईच वन ऑफ अस हैज डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. एक बात जो हम सभी को ध्यान में रखना चाहिए और मालूम होना चाहिए कि हम लोगों में अगर डिफरेंट है तो वो एक चीज़ है कि हम लोग में जो स्ट्रेंथ है और हम लोग का जो कमजोरी है, ठीक है, ये दोनों ही हम लोग में अलग अलग होता है. ठीक है, सब में एक जैसा नहीं होता, सभी में एक जैसा स्ट्रेंथ नहीं होता, सभी में एक जैसा वीकनेस नहीं होता. वी ऑल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. एक बात और कि हम लोग सभी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क करते हैं, है ना. कोई डॉक्टर है वो लोग ट्रीट करते हैं पेशेंट को, कोई सोल्जर है तो वो लोग देश की रक्षा करते हैं, कोई किसान है तो वो खेती में मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं. हाँ, इसी तरह से बहुत सारा ऑक्यूपेशन है, वो लोग का काम अलग है, सभी का काम अलग है. ईच पर्सन इज इम्पॉर्टेंट इन हिज और हर ऑन वे. और देखा जाए तो हर इंसान का अपने स्थान पे खास महत्व है, मतलब सभी का प्रोफेशन कुछ भी हो, ऑक्यूपेशन कुछ भी हो, सभी का अपना महत्व है. किसान का भी अपना महत्व है कि वो खेत में उगाते हैं, अगर वो नहीं उगाएंगे तो बैलेंस अच्छा से नहीं होगा. ओके, सो इफ वी सो डिसरेस्पेक्ट एंड हेट्रेड टुवर्ड्स अदर्स वी डिसप्लीज गॉड. कहने का मतलब है कि अगर हम लोग नफरत,
है ना, घृणा हो या डिसरेस्पेक्ट हो, अनादर हो, अगर ये सब अगर हम लोग दूसरे के साथ गलत व्यवहार करें तो इसका मतलब सीधा हम लोग गॉड को डिसप्लीज कर रहे हैं, गॉड को निराश कर रहे हैं। रेस्पेक्ट एंड लव फॉर वन अनदर स्प्रेड हैप्पीनेस ऑल अराउंड एंड देयर इज ब्रदरहुड। और अगर हम लोग सभी को रेस्पेक्ट देते हैं, है ना, और खुशियां फैलाने का काम करते हैं, मीन्स वी आर क्रिएटिंग ब्रदरहुड। हम लोग भाईचारा फैला रहे होते हैं, हम लोग भाईचारा बना रहे होते हैं। दैट मीन्स यू नो ब्रदरहुड, दैट मीन्स यू नो जस्ट केयर फॉर ईच अदर, जहां कोई भेदभाव ना हो। सो नाउ देयर इज ए स्मॉल स्टोरी एंड यू कैन सी फूड फॉर हेल्थ। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड दिस स्टोरी विल एक्सप्लेन एंड विल मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी लुक डिफरेंट बट वी आर सेम। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ वन बॉय हुज नेम इज विकास एंड देयर आर सम कन्वर्सेशन बिटवीन विकास एंड हिज फादर। सो कंटिन्यू। One afternoon, Vikas came home from school with a puzzled look on his face. एक दोपहर में जब वो स्कूल से घर आया विकास, तो उसका चेहरा में कुछ उलझन था। हाँ, उसके फादर देखे उसको और पूछे उनसे। When his father asked him what he had in his mind, he said, "Our teacher said all of us are equal." जब उसके फादर पूछे तो कहे कि फादर आज तो हमारे टीचर कहे हैं कि हम सब एक हैं, हम लोग सभी लोग एक हैं। बट हाउ कैन दैट बी, वी ऑल लुक सो डिफरेंट। बच्चे के मन में यही चीज चल रहा था कि टीचर तो कह दिए लेकिन ये कैसे हो सकता, हम लोग तो डिफरेंट है, देखने में डिफरेंट है, सब कुछ में डिफरेंट है। हिज फादर थॉट फॉर ए मोमेंट एंड देन सेड I will explain that. उसके फादर थोड़ी देर सोचे और कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें एक्सप्लेन कर देते हैं कि टीचर जो बोले हैं वो सही है, हम सब एक है कैसे। But first let us go to the market. There he bought green, red and yellow apples. और फिर हुआ क्या कि मार्केट गए और वहां जाके रेड, ग्रीन और येल्लो एप्पल्स खरीद कर लाए। On reaching home, Vikas' father put all the apples on the table and said, "It's time to answer your question." और फल ला के टेबल पे रखें, बास्केट पे, और फिर कह रहे हैं कि ये समय आ गया है कि हम लोग एक है, तुम्हें आंसर बताने का समय आ गया। तो उसके फादर क्या कहते हैं, लेट्स कंटिन्यू। ही कंटिन्यू, विकास, पीपुल आर जस्ट लाइक एप्पल्स, लोग एप्पल्स की तरह होते हैं, सेब की तरह होते हैं। दे कम इन ऑल डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइज। एप्पल जैसा डिफरेंट कलर का होता, कोई ग्रीन, कोई येलो, कोई रेड, रेड बड़ा सुंदर सा दिखने वाला, हाँ, तो कोई बड़ा होता, कोई छोटा होता, है ना। सब एप्पल का आकार भी अलग होता, कोई गोल होता है तो कोई थोड़ा सा लंबा टाइप का होता है। ओके, तो सी सम ऑफ द एप्पल्स हैव बीन बम्प्ड अराउंड एंड आर bruised, they may not even look as delicious as the others. As he was talking, Vikas was examining each apple carefully. उसके फादर एक्सप्लेन करने लगे कि सारा एप्पल सही जैसा भी दिखता नहीं है और हम लोग देख के भी अंदाज लगा सकते हैं कि हो सके ये टेस्टी हो सके ये टेस्टी उतना ना हो। His father then took each of the apples and peeled them. After this, he put them back and said, फिर हुआ क्या कि उसके फादर जो तीनों तरह का एप्पल था उसको पील्ड ऑफ कर दिए, मीन्स उसका जो छिलका है उसको उतार दिए और बास्केट पे रख दिए। विकास है और विकास को बोले कि टेल मी विच वन इज द रेड एप्पल, द ग्रीन एप्पल एंड द येलो एप्पल। उसके बाद छिलके उतार देने के बाद कह रहे हैं कि आप बताओ कौन सा रेड एप्पल है, कौन सा येलो एप्पल है और कौन सा ग्रीन एप्पल है, क्या आप बता सकते हैं। छिलका उतर जाएगा तो उसके बाद क्या बता सकते हैं कि कैसा एप्पल होगा वो, पहले
नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो बाहर से वो हरा पीला और लाल दिखता है, अंदर से तो एप्पल एक जैसा होता है। विकास सेड आई कैन नॉट फाइंड एनी डिफरेंस। विकास भी मेरे और आपकी की तरह ही, उसका भी आंसर था कि हम लोग डिफरेंस नहीं बता सकते हैं। दे ऑल लुक द सेम नाउ, क्योंकि सब सेम दिखता है। टेक ए बाइट ऑफ ईच एप्पल एंड सी वेदर इट हेल्प्स यू फिगर आउट विच वन इज विच, हिज फादर आस्क। उसके बाद बोले कि अच्छा देख के तो नहीं बता सकते हो, ठीक है थोड़ा सा टेस्ट कर लो, बाइट करो उसको, एक टुकड़े खा के देखो, अब बताओ कौन सा ग्रीन था, कौन सा येलो था, कौन सा रेड था। विकास टुक बिग बाइट्स एंड देन ए ह्यूज स्माइल केम अक्रॉस हिज फेस। और जब वो एक बड़ा सा बाइट लिया एप्पल्स का, उसके फेस में स्माइलिंग आ गया। हाँ, फादर आई अंडरस्टैंड नाउ पीपुल आर जस्ट लाइक एप्पल्स। उसके बाद वो बोला कि फादर मैं समझ चुका हूँ कि हम लोग यानी कि लोग एप्पल्स की तरह हैं। दे लुक डिफरेंट बट दे आर ऑल द सेम फ्रॉम इनसाइड। भले देखने में बाहर से अलग हो लेकिन अंदर से तो बिल्कुल एक दिखते हैं। और आई थिंक आप समझ गए होंगे द डीप मीनिंग ऑफ द स्टोरी दैट एप्पल्स का स्वाद भी एक ही होता है। कोई भी एप्पल को खाइएगा तो आपको एप्पल का जैसा ही टेस्ट आएगा, ना कि आम की तरह। His father said, just as everyone has their own unique personality, but are still basically the same. उसके फादर आगे कंटिन्यू हुए बोले कि हम सभी में एप्पल्स की तरह रंग तो नहीं हो सकता है, लेकिन डिफरेंट पर्सनालिटीज होते हैं, ठीक है, लेकिन अंदर से हम लोग बेसिकली हैं तो सेम, बाहर से अलग हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल इन द गॉड आईज ऑफ गॉड। और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ईश्वर की नज़र में, परमात्मा की नज़र में, हाँ, हम सभी एक हैं। विकास टोटली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी। चिल्ड्रन आई होप आप लोगों को भी इक्वलिटी का मतलब समझ में आ गया होगा कि इक्वल का मतलब क्या होता है। हाँ, वॉट ए परफेक्ट फूड फॉर थॉट। हो सकता है ना एप्पल कितना अच्छा एग्जाम्पल है एक थॉट लाने के लिए। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी, आफ्टर ऑल देयर इज ओनली वन रेस, ह्यूमैनिटी। इस लाइन का बहुत डीप मीनिंग है, मैं इसको लिखना चाहूंगा। आफ्टर ऑल देयर इज Only one race, humanity। कहने का मतलब क्या है, अगर हम लोग देखें तो सिर्फ एक रेस है, एक ही जाति है, हाँ वो है humanity, इंसानियत, मानवीयता, जो भी आप कह ले, एक ही जाति है। भले ही लोग जिस आप टाइटल से आप कुछ और हो, कोई और टाइटल से कुछ और हो, हाँ नाम के बाद टाइटल लगता, बट यू नो जिस वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर ह्यूमन, वी आर सेम। आई होप ये लेसन समझकर आप लोगों में बहुत अच्छा एक नैतिक गुण विकास किया होगा, और दैट इज वी आर इक्वल, इक्वलिटी का जो भावना आया होगा, दैट इज जस्ट keep in your mind we are equal, and I hope you have understood this lesson very well, and the moral of the story is very very clear. Okay, so okay, bye, see you in next video, bye.